एनआईए के रिपोर्ट में जेकेएलएफ के चीफ और अलगाववादी नेता यासिन मलिक, शब्बीर अहमद शाह और कई अलगाववादी नेताओं को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए इन लोगों को लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद से फंड मिलता था। यूएपीए के नए कानून के तहत एनआईए चार्जशीट दाखिल करेगी। एनआईए ने 214 पेज की रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली है। सभी अलगाववादियों के हाफिज सईद से कश्मीर में आतंकियों को फंडिंग करने और पत्थरबाजी के लिए पैसा जुटाने के पुख्ता सबूत मिले हैं। अब जल्द ही एनआईए जो है वो चार्जशीट दाखिल करने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, एनआईए ने 214 पेज की रिपोर्ट तैयार कर ली है। अलगाववादी नेताओं को लेकर एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है, आतंक फैलाने के लिए हाफिज सईद से फंड लिया जाता था।